ऑप्शन देखिए, एक्स मीटर, आठ नंबर का एक्स मीटर भुजा वाले घन के भुजा में 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है, घन का जब भुजा 2% बढ़ जाएगा तो उसके आयतन भी बदल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बदलेगा। तो हमें वही पूछा कि आयतन में कितना परिवर्तन आएगा वो बताना है। तो यहाँ मान लेते हैं, अच्छा घन का भुजा एक्स दिया ही ना, चलिए तो घन का भुजा तो पहले से दिया है, घन की भुजा मानने की जरूरत नहीं है, घन की भुजा एक्स दी हुई है। अच्छा घन के भुजा में परिवर्तन घन के भुजा में परिवर्तन वह डेल्टा एक्स हो जाएगा। और वो कैसे दिखाएंगे, तो वह हो रहा है भुजा का 2%, भुजा का 2%, यानी एक्स का 2%, यानी एक्स गुना 2/100, यानी आ जाएगा 0.02x मीटर, यानी कि डेल्टा एक्स बराबर हो गया 0.02x मीटर। भुजा में ये परिवर्तन आ रहा है, भुजा एक्स था, भुजा में ये परिवर्तन आ गया। ठीक है, घन के आयतन के बारे में पूछ रहा है, तो घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है ना जी, तो भुजा तो एक्स है, तो एक्स का क्यूब, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से dv/dx बराबर में क्या आ जाएगा, 3x2। चलिए तो हमें क्या निकालना है, आयतन में जो परिवर्तन आ रहा है, आयतन में सन्निकट परिवर्तन, तो त्रुटि कहो परिवर्तन कहो जो भी है वो एक ही नहीं बात होगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा भी आयतन में क्या परिवर्तन आया, तो dv/dx और इनटू में आपका डेल्टा एक्स, यही ना होगा फॉर्मूला। चलिए तो dv/dx का वैल्यू क्या है, 3x2 और इनटू में डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.02x है ना मीटर क्यूब। चलिए गुना कर देते हैं, 3 × 6 0.06x³ मीटर क्यूब, इतना हमारे आयतन में परिवर्तन होगा। चलिए अगला